हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने आईफोन या तो फिर आईपैड को iOS 11.1.1 में कैसे अपडेट कर सकते हैं। अगर आप अपना आईफोन या तो फिर आईपैड लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से अपडेट रखते हैं तो रिसेंटली एप्पल ने ये अपडेट रिलीज़ किया है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वो अपडेट कर दीजिए। कुछ बग फिक्सेस वगैरह उसमें किए गए हैं तो डेफिनेटली आपके आईफोन या तो फिर आईपैड के अंदर कुछ परफॉर्मेंस का इम्प्रूवमेंट भी होगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। आप देख रहे हैं टेकी प्रशांत, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेरे आईफोन में अभी कौन सा वर्जन है। तो मुझे जाना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में से मुझे जाना है जनरल में। यहाँ पे एक अपडेट्स मुझे बता रहा है सॉफ्टवेयर अपडेट, उसे जब मैं टैप करूँगा तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। शायद मेरे डिवाइस के अंदर ऑलरेडी ये डाउनलोड हो चुका है, और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कुछ बग फिक्सेस वगैरह किया है, कीबोर्ड के रिलेटेड बग है और कुछ हे सीरी के वगैरह बग से वो फिक्सेस किए गए हुए हैं। मेरे आईफोन के अंदर जो कोई भी वर्ज़न हो उसे कोई मतलब नहीं है। मुझे पता है कि 11.0.3 है, और ये जो मेजर अपडेट है 11.1.1 आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये अपडेट होगा। तो अपडेट शुरू करने के लिए मुझे क्या करना है कि यहाँ से इंस्टॉल नाउ प्रेस करना है। अभी आप देखेंगे कि ये ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है, अदरवाइज़ पहले यहाँ पे साइज़ बताता, साइज़ के बाद वो डाउनलोड होता। अभी मुझे सिंपली टैप करना है इंस्टॉल नाउ, तो मैं इंस्टॉल नाउ टैप करूँगा। तो यहाँ पे एक बार मुझे शायद परमिशन वगैरह का यहाँ पे वेरीफाइंग अपडेट्स का मैसेज आ गया है, यानी जो डाउनलोड हुआ है वो वेरीफाई हो रहा है, यानी वो ऑथेंटिक डाउनलोड है कि नहीं। तो आप जैसे देखेंगे कि जैसे ही अपडेट वेरीफाई हो गया, बाद में मेरा फ़ोन जो है वो रिस्टार्ट हो चुका है, और शायद रिस्टार्ट होने के बाद एक दो बार और भी फ्लिकरिंग और रिस्टार्ट होगा। सबसे पहले तो कुछ फाइल लेवल की एप्लीकेशन कॉपी वगैरह होगा, तो उस टाइम पे कुछ टाइम लग सकता है। यहाँ पे फ्लिकरिंग भी होगा, यहाँ पे आपको कभी कभी जो डाउनलोड का जो है वो प्रोग्रेस दिखेगा। ये जो प्रोसेस है वो आपके डिवाइस की स्पीड पे डिपेंड है कितना टाइम लगेगा। तो मैं इसे इंस्टॉल होने देता हूँ। आपको यहाँ पे कुछ ध्यान में रखना है, कुछ नहीं करना है, कुछ डिस्टर्ब नहीं करना है। यानी आपका डिवाइस जो है वो ऑलमोस्ट चालू हो गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि योर आईफोन हैज़ बीन अपडेटेड टू iOS 11.1.1। तो अभी ये जो मेरा डिवाइस है वो iOS 11.1.1 में अपडेट हो चुका है, और मैं यहाँ से सेटिंग्स में जाके कंफर्म कर सकता हूँ कि अभी जो वर्ज़न है वो कौन सा बता रहा है। सेटिंग्स में से मुझे जाना है जनरल में, जनरल पे यहाँ पे जो टैग था वो भी निकल गया है, और सॉफ्टवेयर अपडेट में जाना है। सॉफ्टवेयर अपडेट में अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे मिल जाएगा iOS 11.1.1 योर सॉफ्टवेयर इज़ अप टू डेट। तो ऐसे आप अपने आईफोन या तो फिर आईपैड में iOS को अपडेट कर सकते हैं। ये सिंपल मेथड है, दोनों आईफोन और आईपैड के लिए सेम प्रोसीजर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का बटन है उसे भी टैप कर दीजिए, तो जब भी मैं चैनल पर नया वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत आपको अपने डिवाइस में उसका पुश नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आप मेरा नया वीडियो देख पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।